भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का गायन, तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र, इसमें 108 नाम भगवान सूर्य के हैं। सूर्यो यमा भगवत त्रिष्टा पुरुषा कह सविता रवि गभीस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽंगारक एव च इन्द्रो विवश्वान् दीप्तान् सुशुचिः सौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंधो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्नि रैन्धनस्तेजसाम्पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च छपायामस्तथा क्षणः संवत्सर करोऽश्वत्थः कालचक्रु विभावशुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोऽंशुश्च जीमूत जीवनोरिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः सृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिर्लोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतो मुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिसेचिता मनः सुपर्णो भूताधिः शीघ्रगः प्राणधारकः धनवन्तरिर्धूमकेतु रादिदेवोदितेषुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करणान्वितः एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा। ये स्तोत्र सुनाया और कहा इस स्तोत्र का गायन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आप आराधना कीजिए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत सा पुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरताम् नरः सदा धृतिं च मेधां च सविन्दते पुमान्। जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पियेंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या है, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं, तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है। नहीं,
भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट दो घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, कम से कम भले साधक नहीं तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो, इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी।